हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के जालौर समाचार में आपका स्वागत है। जालौर के रानीवाड़ा विधानसभा के जसवंतपुरा में सुराणा के दलित छात्र के प्रकरण की निष्पक्ष जांच को लेकर 36 कौम संगठन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर भारी बारिश के बावजूद काफी लोगों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं समाज सेवी रणवीर सिंह ने बताया कि इंद्र मेघवाल के घटना के कारणों की जाँच की जाए और निर्दोष छैल सिंह को बरी किया जाए। स्कूल में छुआछूत का आरोप बिल्कुल गलत है क्योंकि स्कूल के स्टाफ में आधे से ज्यादा एससी वर्ग के हैं। ऐसे में बाहरी तत्वों के दबाव में आकर मठ का युद्ध छेड़कर जिले में सामाजिक समरसता के भाव को कलंक करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। लोगों ने पुलिसकर्मी धान सिंह को बहाल करने की मांग भी रखी है। साथ ही पूरे मामले की जांच विचाराधीन है। ऐसे में झूठे आरोप घड़ने वाले लोगों की कोई सरकारी मदद नहीं की जाएगी। जाँच होने के बाद ही सरकारी मुआवजा प्रदान किया जाएगा। स्कूल में अध्ययनरत 350 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में स्कूल की मान्यता को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। सो दोस्तों, जालौर जिले से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट जानने के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।